मंत्री प्रकाश पंत बजट पेश करेंगे और किसानों को बड़ी राहत दी जा सकती है। इस पूरे सत्र में ऐसा माना जा रहा है महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की जो पूरी कवायद है वो और तेज हो सकती है। गैरसैंण में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सौगात मिल सकती है। तो बजट सत्र आज पेश करेंगे वित्त मंत्री प्रकाश पंत। उनका मानना है कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए भी कुछ खास हो सकता है पिटारे में, और बुनियादी सुविधाएं जो गैरसैंण में होनी चाहिए उसके लिए भी सौगात मिल सकती है। किसानों को बड़ी राहत दी जा सकती है। उत्तराखंड में किसान काफी लंबे समय से ऋण माफी और तमाम तरह की मांगों को रख चुके हैं। चलिए हम सीधे बात करेंगे, हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमसे जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र, आप गैरसैंण में ही हैं और अब प्रकाश पंत की ओर से काफी कुछ कह सकते हैं योजनाओं का पिटारा खुल सकता है, क्या कुछ कयास लगाए जाए? बिल्कुल स्नेहा, देखिए इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। गैरसैंण राजधानी के मामले को लेकर सदन के अंदर तापमान बड़ा गर्म है, लेकिन आपको बताएं कल शाम से उत्तराखंड में जो टेम्परेचर है वो डाउन है, क्योंकि मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है। मार्च के महीने में जब देश में लोग गर्मी का सितम झेल रहे हैं, उत्तराखंड में लोगों की जैकेट और स्वेटर्स निकल गई हैं, तो ये तो मौसम का हाल है। हालांकि आज धूप है, मौसम साफ है, हमारे फ्रेम में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो मौसम है वो सुहावना है। अब बात अगर बजट सत्र में आज बजट पेश करने को करें तो आज वित्त मंत्री प्रकाश पंत अपना बजट पेश करेंगे हम 4 बजे। वो करीब 42,000 करोड़ से ज्यादा का जो वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट है वो पेश कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 17-18 में जो बजट आया था वो करीब 39,000 करोड़ का आया था। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कई बार कह चुके हैं कि 2020 तक जो मिशन 2020 है वहां तक उत्तराखंड का जो बजट है उसे 70,000 करोड़ तक पहुंचाने की उनकी कोशिश है। तो हम ये मान के चल रहे हैं करीब 42,000 से ज्यादा का जो करोड़ का जो बजट है वो आज वित्त मंत्री प्रकाश पंत पेश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के बजट में गैरसैंण को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? सरकार कहती है गैरसैंण में मूलभूत व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करेंगे, अवस्थापना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उस पर हम अच्छा खर्च करेंगे, चिकित्सा और शिक्षा के मामले में खर्च करेंगे। क्या आज के बजट में ये कुछ प्रावधान होते हैं महिलाओं की आय? जी, तो यहाँ पे क्या ये बजट का हिस्सा है या फिर ये जो कयास लगाए जा रहे हैं ये प्रेशर की देन है या फिर ये पहले से चीजें डिसाइडेड थी कि हाँ गैरसैंण को चीजें स्टेबलाइज करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, क्या ये पहले से था या फिर अब इसे टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचाया गया है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है? देखिए, गैरसैंण में अगर विधानसभा भवन की बात करें और गैरसैंण में जो भवनों का निर्माण हुआ है वो पिछली हरीश रावत सरकार ने किया था, तो इस सरकार को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उससे आगे बढ़ना होगा। सरकार को गैरसैंण के लिए बहुत सारी चीजें करनी होंगी। प्रेशर भी आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन रहा है आज भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, लोग अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं, तो ऐसे में सरकार को गैरसैंण के लिए बड़े फैसले जरूर लेने होंगे। जैसे कि स्नेहा, मैं आपको बता रहा था कि गैरसैंण के अलावा महिलाओं को विकसित करना, महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और खासकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार को बड़ी कुछ योजनाओं को ला सकती है, ऐसा पहले भी कहा गया है। हालांकि वित्त मंत्री से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था किसी भी तरीके का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे, यानी टैक्सेस जो हैं वो आज नहीं बढ़ाए जाएंगे, जो टैक्सेस हैं उनकी दरें सेम रहेंगी, ये कहना वित्त मंत्री का था। लेकिन 4 बजे जब वो अपना बजट पेश करेंगे तो काफी चीजों का खुलासा हो जाएगा कि सरकार ने किन किन क्षेत्रों में फोकस किया है, किन क्षेत्रों पर वो काम करना चाहती है और गैरसैंण को लेकर सरकार के एजेंडे में क्या है। क्योंकि पिछला जो शीतकालीन सत्र था उसमें सप्लीमेंट्री जो बजट आया था उसमें गैरसैंण के खाते में सिर्फ 10 करोड़ रुपए आए थे। जी 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 सुरेंद्र, तो अब 4 बजे जब बजट का पिटारा खुलेगा तो किस किस विभाग को क्या कुछ मिला है ये इस पे सबकी निगाहें रहेंगी। धन्यवाद, आपसे सारी जानकारी मिली है हमसे जुड़ने के लिए। तो आज 4 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे गैरसैंण में।